पलवल के चांदन थाना क्षेत्र में बैंक के काम से आई विधवा महिला को पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर तीन युवकों ने किया गैंगरेप। आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्तार से फरार है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे पत्रकार प्रवीण आहूजा के साथ। ये एक लेडीज है, धर्मवती नाम है जिसकी उम्र करीब 40 साल के करीब है। ये अपने मोहना गांव की रहने वाली है। ये अपने घर से बस अड्डे पर आ गई थी। इसने कोई बैंक का काम था, बैंक में जाना था। एक मोहना गांव का ही लड़का भारत, जिसका नाम भारत है, वो बोलिया आपने कहाँ जाना है? बोलिया मैंने तो एक बैंक तक काम है। वो बोलिया मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ ले, मैं आपको बैंक में छोड़ दूँगा। उसने उसके कहने पर ये मोटरसाइकिल पर बैठ ली। मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद उसने तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर कहीं जंगल में ले गया इसको। वहाँ ले जाकर अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया और वहाँ इसको पेप्सी में कोई चीज़ पिला करके इसके साथ गलत काम किया। उन तीनों लड़कों ने वे मौके से छोड़कर इसको भाग दिया। जब यह अपने दामाद को बुलवा कर मैं अपने घर आई तो उन्होंने बताया कि ये बल्लमगढ़ का एरिया मोहना गांव बल्लमगढ़ लेडीज महिला थाने का लगता है। ये वहाँ महिला थाने में कार्रवाई के लिए पहुँचगी, वहाँ कार्रवाई कराई। इसमें पता लगा कि ये मोहना थाने का क्या एरिया नहीं पाया, वो मकसूदपुर गांव है कोई, वो हमारे पलवल थाने हमारे चंड थाने में पड़ता है, उस जगह की निशानदेही हुई। तो फिर हमने इसके FIR दर्ज करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जैसे ही मुलजिम को तलाश कर रहे हैं, जैसे ही मुलजिम मिल गया तो गिरफ्तारी करके कार्रवाई अमल में लाएंगे।